मैं सोमा घोष हूँ, मैं सिलवास से हूँ। तो मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। तो मेरे को 2018 अप्रैल महीना 20 तारीख को मेरे को पता चला कि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ब्रेस्ट में। तो फिर मैंने पहले गायनो के पास गए थे, तो गायनो ने मेरे को गाइड किया, या तो आप मुंबई जाओ या तो वापी में जाओ, तो अक्षय नाटकानी का एड्रेस बताया। तो मैंने नेक्स्ट डे हम आ गए सर के पास। फिर सर को दिखाया, सर बोलते ये ऐसे ऐसे है, तो ये आपको ऑपरेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसके बाद सर जैसे हमको गाइड करते गया, हम वैसे वैसे करते गए। हाँ, सिलवास में वो जलराम हॉस्पिटल से गायनो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया, आप उधर जाओ, आपका बेटर ऑपरेशन होगा, सर गाइड करेगा। सर ने मेरे को इधर ऑपरेशन किया, फिर सर ने बोला आपको 8 कीमो लेना पड़ेगा, फिर हमको पार्टी में भेज दिया। फिर सर के अंडर ही हम कीमो लिया, और उसके बाद सर बोला 21 रेडिएशन आपको लेना पड़ेगा। हाँ, कीमो के बाद बाल झड़े थे, फिर सर को दिखा, सर बोलते धीरे धीरे आ जाएगा। फिर उसके बाद रेडिएशन लिया, रेडिएशन लेने के बाद फिर धीरे 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 मेरा बाल भी आ गया, आईब्रोज में नॉर्मल लाइफ में जैसी थी वैसे हो गया। अभी मैं भूल गई जो मेरे को हुआ था। अच्छा। क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, घर पे ट्यूशन लेती हूँ, मीन्स आई एम बिजी। तो मेरे को पता ही नहीं चला मैं एक पेशेंट हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। क्या कैंसर क्योर है अभी? अभी तो कैंसर क्योर है, तो मैं उनको ये गाइड करना चाहती हूँ, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है ब्रेस्ट में, कुछ लम्स जैसा आया तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए, उसमें लेट नहीं करना है। उसके बाद जैसे आकर बोलेगा सर ऐसा कैंसर हुआ है आपका इतना ये स्टेज में, तो उसमें कोई घबराने का नहीं, सर जैसे गाइड करते आप उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका लाइफ में बेटर रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू।